ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए नए दिन को अच्छा बनाने के लिए, खुशियों से भरपूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से अपने नए जीवन की, नए दिन की शुरुआत करते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जब हमारी प्रार्थना हमारे बाबा तक पहुँचती है, हमारी ज़िंदगी का संवरना वहीं से शुरू हो जाता है। हमारी ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो उस काम को करने में मेहनत भी अधिक लगती है और समय भी अधिक लगता है। मतलब हम सोचते हैं कि आज हो जाएगा, तब भी नहीं होता। हम सोचते हैं चलो आज नहीं कल हो जाएगा, फिर भी नहीं होता। उसे होने में समय लगता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को बेहतर बनाना हो ना, तो उसकी प्रैक्टिस हर दिन करनी पड़ती है, पल पल करनी पड़ती है। तब जाकर वो इतनी अच्छी तैयार होती है कि उसकी कोई कॉपी नहीं होती, वो एक अकेली होती है। तो हम सबको अपने जीवन में अच्छा ही तो चाहिए, है ना? हम सब अपने जीवन में बेहतरीन चाहते हैं कि जो हमें मिले वो सबसे अच्छा हो। तो जब सबसे अच्छा चाहिए तो समय भी लगेगा। और आप जब अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो तो भगवान फिर आपको अच्छा ही देते हैं। इसीलिए वो आपके कार्य में थोड़ा समय लगाते हैं और आपको, जो आपकी परीक्षा चल रही होती है, उसमें आपको मजबूत बनाते हैं। क्योंकि अच्छी चीज़ को संभालने के लिए हमें भी तो अच्छा बनना पड़ेगा ना। ऐसे ही हाथों में तो साईं नहीं सौंप देंगे ना किसी अच्छी चीज़ को। तो जब हमें अच्छी, बेहतर, बढ़िया कुछ पाना है, तो उसके लिए सबसे पहले खुद को बढ़िया बनाना है, खुद को बेहतर बनाना है। और उसको बेहतर बनाने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके लिए रोज़ एवरी डे इतना परिश्रम करना पड़ेगा कि वो चीज़ जब तक हमारे पास आए, हमें उसे संभालने की, हमें उसकी कदर हो। क्योंकि जिन चीज़ों की कदर नहीं होती ना, वो लाइफ में हो या ना हो कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए जो भी हमारी लाइफ में है, हमें उसकी कदर करनी है, हमें उसको वैल्यू देनी है, ताकि वो हमारे पास आकर खुद को खुश महसूस करे। फिर चाहे वो इंसान हो या कोई वस्तु, वो हमारे पास आए तो उस वस्तु को भी, उस इंसान को भी ये फील हो कि मैं बहुत अच्छे हाथों में हूँ, यहाँ मुझे बहुत सुकून है। जब कोई आपके पास आकर ये कहता है कि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये बताइए उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको लगता है ना? कि एटलीस्ट किसी को सुकून तो मिल रहा है मेरे पास आकर के। लेकिन वो सुकून तभी मिलता है ना जब हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। तब वो चीज़ें हमें कहती है कि अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुकून है। वो लाइफ टाइम वहाँ पे रहने की जब इच्छुक हो जाए, तो समझिए कि हमने कुछ बेहतर किया है। किसी को हमारे पास आकर अगर सुकून का महस अनुभव हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि घबराओ नहीं, चिंता मत करो। कोई भी कार्य है ना, अगर वो होने में टाइम ले रहा है, विघ्न पड़ रहे हैं काम में, तो कुछ ही समय तक पड़ेंगे। अगर आप ईमानदारी से अपना, सच्चाई के साथ अपना काम कर रहे हो, तो उसको आपके मालिक भी नहीं रोकेंगे। वो काम आपको और अधिक फल देगा, जितना आप सोच बैठे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आपका आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ से। बस हाँ, अभी थोड़ा सा वक्त परीक्षा का है, ये दे लीजिए, उसके बाद सुख ही सुख है। अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, सुख तो आपके रास्ते में खड़ा ही है, आपको चलते जाना है बस। क्योंकि अगर आप मंजिल को देखोगे तो आपको लगेगा और ये भी तो बहुत दूर है, लेकिन जब आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, तो वो अपने आप जब आपके सामने आ जाएगी ना, तो आपको दूरी महसूस नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना है, चलते जाना है। हमें ये नहीं देखना कि दूर है, दूर तो है ही है, चलेंगे तभी तो पास में जाएंगे ना। तो बस मेरा आपको समझाने का अर्थ यही था कि लाइफ में निराश नहीं होना है। कोई चीज़ अगर नहीं मिल पा रही है, तो या तो वो अपने लिए बनी नहीं है तब नहीं मिल रही है, या तो हमें उसको पाने के लिए भी और मेहनत करनी है, तब जाकर वो मिलेगी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, हमने बहुत मेहनत की तब भी नहीं मिली, तो हम सोचते हैं यार टाइम वेस्ट हो गया, इतना वक्त कहीं और लगाते। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जितना वक्त आपने उसकी मेहनत में लगाया है ना, उससे एक तो आप शक्तिशाली बने हो, एक तो आपको मेहनत करनी आ गई है, ऊपर से आपने उस चलते रास्ते में बहुत सारे आपको अनुभव मिले हैं, बहुत सारे आपको चीज़ें आपने सीखी हैं उस रास्ते में, तो वो व्यर्थ नहीं गई है, वो कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगी। आपकी मेहनत हमेशा आपको फल देती है, बस हम महसूस नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी सिचुएशन में आपने ये नहीं सोचना है कि अरे ये व्यर्थ चला गया, व्यर्थ कुछ नहीं है, सब कुछ काम का है।
बस हर इंसान को उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, वरना लोग तो फेंकी हुई चीज़ों को भी काम में लगा सकते हैं, होता है ना। तो बस चिंता ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब प्रार्थना की तरफ आगे बढ़ते हैं, आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक्स है इतना प्यार देने के लिए, इतना 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 सपोर्ट करने के लिए, और इतना हमारी फैमिली का हिस्सा बन के आप आ रहे हैं हमारी फैमिली में। आप सभी का बहुत बड़ा वाला स्वागत है, और मालिक इस पूरी फैमिली पर अपनी कृपा बना कर रखे, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है मेरी कि देर रात तक नाम दोगे तो फिर लेने में प्रॉब्लम होगी ना, आप शाम को 6 बजे से पहले पहले वीडियो के नीचे अपना नाम दे दिया करो, क्योंकि रात में 10 बजे के बाद देते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर नाम नहीं आ पाता, ठीक है प्लीज़। तो चलिए प्रार्थना के नाम हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, सोमनाथ अंकल जी, प्रियंका जी, राम कुमार यादव जी, शिवांक दुबे जी, राजेश मेहरा जी, कौशिक पेधी जी, कुमुद बोरा जी, कविता जी, सोम बोस जी, अभिषेक जी एंड ऑल फैमिलीज। देवाधिदेव साईनाथ के श्री चरणों में बाबा ये नाम रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि इन सभी की श्रद्धा की लाज रखना, इन सभी को स्वस्थ रखना, हेल्दी और हैप्पी रखना, सबके जीवन के जो बिगड़े कार्य हैं वो बनाना, सभी की लाइफ में खुशियों का प्रकाश हो, हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है मालिक। हम जिनके लिए भी प्रार्थना करें उस हर प्रार्थना को स्वीकार करना, सभी को खुश रखना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सोमनाथ अंकल जी, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप सभी लोग बाबा से प्रे करना कि हमारे अंकल जी जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाए, और इस परिवार का वो प्यारा सा हिस्सा है तो बाबा उनको जल्दी से हेल्दी कर दो, ताकि वो हमेशा सबके लिए प्रार्थना करते हैं बाबा। आज उनके लिए प्रार्थना करने का वक्त आया है, तो उन पर भी रहम नज़र करना, ताकि वो जल्दी से ठीक होकर फिर सबके लिए प्रार्थना करें और जल्दी जल्दी से हेल्दी हो जाएँ। और राम कुमार यादव जी की हेल्थ इशू है, आप सब लोग प्रे करना कि राम कुमार जी भी जल्दी से ठीक हो जाएँ। और कुमुद बोरा जी की हेल्थ इश्यू है बाबा, उन पर भी कृपा करना कि वो भी जल्दी से अच्छे हो जाएं। कविता जी की हेल्थ इश्यू है, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएं, आपकी कृपा बरसे। प्रियंका जी की हेल्थ इश्यू है, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएं, देवा रहम नज़र करना। जिनको भी जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशान है, उन सभी की हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाएगी। उदी लगाते रहिए, साई साई जपते रहिए। ये बुरा वक्त, ये कठिन वक्त कब चला जाएगा ना मालूम नहीं पड़ेगा, आपको चिंता क्यों करते हो। तो उसके बाद जिनका जन्मदिन है उनके नाम लेकर के आइए, उन्हें विश करते हैं। जैसे कि अभिषेक जी का बर्थडे है, अभिषेक जी हैप्पी बर्थडे, साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, आपकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, आप जो चाहते हैं बाबा जी आपको वो सब कुछ दें, और आपकी लाइफ दिन प्रतिदिन बेहतरीन होती रहे, सब कुछ मिले जो आप चाहते हो, हमारी श्री चरणों में बाबा की ये प्रार्थना है। और साहिल जी का बर्थडे है, साहिल जी हैप्पी बर्थडे, साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपकी लाइफ का हर दिन बहुत खूबसूरत हो, बाबा की कृपा से आपको लाइफ में वो हर खुशी मिले जो आप चाहते हो, साईं कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे, साईं जी की कृपा से आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, बहुत तरक्की मिले आपको लाइफ में, और हर सपना हर इच्छा मनोकामना बाबा जी आपकी पूरी करें, हमारे श्री चरणों में यही प्रार्थना है बाबा की। और बच्ची आयरा का बर्थडे है, बच्ची आयरा के लिए आप लोग प्रे करें बाबा, इस बच्ची को और इसके पूरे परिवार को, माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बच्ची आयरा पर बाबा की कृपा सदा बरसती रहे, बच्ची हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, साईं कृपा से सदा तंदुरुस्त रहे, और बड़े होकर बहुत 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 कामयाब इंसान बने, साईं जी की कृपा सदा बरसती रहे, और इसका हर सपना पूरा हो, हर विश इच्छा मनोकामना पूरी हो, मालिक की कृपा से इनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, और सदा मुस्कुराती रहें, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और सपना एस ठाकुर जी का बर्थडे है, सपना जी हैप्पी बर्थडे, साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, साईं कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे, आपकी लाइफ का भी हर सपना पूरा हो, हर इच्छा मनोकामना सदा पूरी होती रहे, बाबा की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, और आपकी लाइफ में हर दिन एक नया दिन खुशियाँ लेकर आपके जीवन में आए, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और अंकित देव जी की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है बाबा, उनकी समस्या का समाधान करें, साईं कृपा बनी रहेगी, चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए। और बाबा रवि जी पर कृपा करना, रहम नज़र करना, सभी के बिगड़े काम बनाना, और
निधि खैरा जी का बर्थडे है। निधि जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको भी बहुत खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, आपके जीवन का भी हर सपना पूरा हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, बाबा की कृपा आपके जीवन पर सदा बरसती रहे और आपकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ अब प्रार्थना के साथ आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं। बाबा सबकी 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 मनोकामना पूरी करें। आइए मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़िए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की कृपा से आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं और बाबा आपकी हर विश को पूरी करें। साईं जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज का दिन आप सभी का साईं कृपा से शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं आपसे 12:30 बजे लाइव बाबा के साथ। तो चलिए साईं जी सबको खुश रखें, बाबा की कृपा बनी रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साईं राम।